हेलो एवरीवन, वेलकम बैक AATRT दरिया टैलेंट। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल AATRT दरिया टैलेंट में। दोस्तों, गर्मी तो है लेकिन गर्मी के साथ साथ शादियां भी बहुत हैं और शादियों में शॉपिंग की जरूरत पड़ती है। क्या पहन के जाएं, क्या ना पहन के जाएं, कितने हैंडसम दिखें, कितने ब्यूटीफुल दिखें, और साथ ही साथ शॉपिंग की जरूरत पड़ती है। और हम गाँव को छोड़ करके सीधा शहर की ओर भागते हैं कि गाँव में क्या मिलेगा, शॉपिंग की सही सामान मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। शहर में हो सकता है बहुत ज़्यादा बेटर मिल जाए, लेकिन कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पे शॉपिंग मॉल भी खुले हुए हैं और शॉपिंग मॉल ऐसे कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि गांव में भी ऐसे शॉपिंग मॉल हो सकते हैं। ये है इस शॉपिंग मॉल का मेन गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ। तो आइए मिलते हैं यहाँ के जो सुपरमार्केट है गांव के, उनके ऑनर से मिलते हैं। तो ऑनर से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। गांव के लोगों को गरीब है, यहाँ पे गरीब को सामान पहुँचाने में थोड़ा आराम हो, सहूलत हो, इसलिए डिसाइड किए गांव में थोड़ा सा छोटा मोटा जो है। बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश की कि गांव के लोगों को भी वो सामान प्रोवाइड कर सकें जो कि शहर में ही मिलती है। गांव में बहुत कमी लोगों को नसीब होता है, तो इनकी एक ये भी ख्वाहिश थी कि हाँ, हम अपने गांव में दुकान खोलें, गांव के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। साथ ही साथ ये खुद तो रोजगार यहां पे डाले ही हैं, साथ ही साथ 10 लोगों को और रोजगार देते हैं यहां पे। तो जानते हैं कि ये अपने शॉपिंग मॉल में क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट सकते हैं, किस किस टाइप के प्रोडक्ट सकते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। आइए आइए देखते हैं। तो किस टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं सर आप? जी, जैसे कि अब ये हुआ शेरवानी वगैरह है, शेरवानी है, कोट पैंट है, और लोअर है। अच्छे अच्छी वरायटी में आपको लोअर ब्रांड लोअर मिल जाएगा, और अंडरवियर भी है, जेंट्स, मतलब गारमेंट से रिलेटेड सारे सामान। हाँ हाँ बिल्कुल, जीन्स पैंट है, ब्रांड है, ब्रांड में भी है, लोकल में भी है। उसके बाद शर्ट में आ जाइए, शर्ट में अच्छे से अच्छे शर्ट, टी शर्ट है हमारे पास, और बच्चों में आ जाइए, बच्चों में, बच्चों का भी रेडीमेड में है, अच्छे अच्छे फैंसी मिल जाएंगे आपको। इसके बाद ब्लेजर में आ जाइए, ब्लेजर में है, और सदरी है हमारे पास, बच्चों का कोट पैंट है, 5 पीस में, 3 पीस में, 2 पीस में, और साड़ियां भी हैं यहाँ पे देख रहे हैं हम। साड़ियां है, थान वाले कपड़े रिलेटेड सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध हैं, थान वाले कपड़े रिलेटेड सारे सामान यहाँ दिख रहे हैं। लेडीज है, जेंट्स, थान कपड़े जैसे भी चाहिए आपको, मतलब कि अगर आप इस गांव में हैं तो आपको शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी किफायती दाम में। ये नहीं है कि गांव है तो गांव में लूटने के लिए बैठे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गांव में लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि गांव के लोगों को किफायती दामों में सामान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये यहाँ पे बैठे हैं। तो इनके शॉप में जो वर्कर्स काम करते हैं शॉपिंग मॉल में, उनसे भी जानते हैं कि इनका बिहेव इन वर्कर्स के प्रति कैसा रहता है। आइए बात करते हैं इनसे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम सरवर अंसारी। गुलाम सरवर अंसारी, तो आप 4 साल हो गया शॉपिंग मॉल ओपन हुए, तो आप यहाँ से कब तक काम कर रहे हैं, मतलब कब से काम स्टार्ट किया? शुरू से लेकर अभी तक। तो इनका व्यवहार कैसा रहता है आप सबके प्रति? बढ़िया है, घर के जैसा, घर के जैसा एकदम माहौल है। चलिए बढ़िया है। और मिलते हैं दूसरे जो कारीगर हैं यहाँ पे रहते हैं काम करने वाले, इनसे भी। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद दाऊद। तो आपका व्यवहार इनके प्रति कैसा रहता है और इनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है? आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं शॉप पर? जी, बहुत अच्छा है। चलिए, दोनों के दोनों कारीगर अभी फिलहाल दो ही यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और दोनों से हमने मुलाकात की, उनसे हमने मुलाकात की है, और मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। ये दोनों ही अपना काम बेस्ट तरीके से करते हैं और अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ इस शॉप के जो ऑनर हैं वो भी इनका पूरा सहयोग करते हैं। कभी इनको किसी चीज की तकलीफ होती है तो हमेशा तत्पर रहते हैं उनके कार्य के लिए। चलिए, गारमेंट्स की तो हमने देख ली है आपने क्या क्या प्रोडक्ट रखे हैं, अब थोड़े देख देते हैं वियरिंग प्रोडक्ट्स, जो कि शूज वगैरह भी आप देख रहे हैं हम शॉप पे आपने रखा हुआ है, दिखा लेते हैं वो भी। देखिए इधर कॉस्मेटिक, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी हैं, ये देखिए आप लोग, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारे सामान मिल जाएंगे। कुल मिला के ये सुपर मार्केट है एक हिसाब से, शहर में हमने बहुत सुपर मार्केट देखे हैं लेकिन गाँव में ऐसा सुपर मार्केट पहली बार हमने देखा है। हालांकि मेरे गाँव में भी ऐसा सुपर मार्केट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस गांव में आके मैंने देखा कि हाँ, गांव में भी सुपरमार्केट ओपन हो सकती है, और बहुत अच्छी बात है कि लोगों को गांव से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगे हैं यहाँ पे,
सारे किफायती दाम में मिल जाते हैं आपको। लेडीज पर्स वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, पर्दे हैं, कंबल है, कंबल है, पर्दा है, खिड़की का, इधर ये बच्चियों का यानी सैंडल वगैरह। हाँ मतलब किड्स वियर भी रखते हैं, ये किड्स वियर भी यहाँ पे है अवेलेबल। बाकी फैशन से रिलेटेड सारे सामान मिल जाएंगे आपको, इक्का दुक्का जो बहुत ही ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो नहीं मिल पकेंगे, बाकी सारे सारे जो रनिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, रनिंग प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं यहाँ पे सारे के सारे। अच्छा स्पोर्ट्स शूज भी मिलते हैं यहाँ पे, कैजुअल कैजुअल वियर भी है यहाँ पे, फॉर्मल सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ऑल इन वन है, कुल मिलाकर के ये ऑल इन वन शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास कैश ना हो तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव करते हैं ये, और साथ ही साथ बिलिंग भी देते हैं, बिलिंग का भी पूरा फंड आया है यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा भी अवेलेबल है। कोई दिक्कत होती है आपको कि नहीं मेरा पर्स सामान छूट गया कुछ भी, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में देख के बता सकते हैं कि आपका ये सामान छूटा था कि नहीं छूटा था, वो आपका सामान जो है वो छूटा है तो सेफ है बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए वूलन से रिलेटेड भी सामान मिलते हैं, ठंडियों में जरूरत पड़ती है हमें वूलन की, यानी कि हमको कंबल वगैरह भी जरूरत पड़ती है ओढ़ने के लिए, तो यहाँ पे वो सब अवेलेबल है, यहाँ पे प्रेजेंट है, घरेलू सामान सारे हैं यहाँ पे, सारे चीजें हैं। और यहाँ डेली डेली नीड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, हम जो घरेलू सामान उपयोग करते हैं रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की चीजें वो सारी की चारी यहाँ पे मिल जाएंगी, झाड़ू वगैरह सब कुछ यहाँ पे। ये देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सारे सामान मिल जाते हैं यहाँ पे। कुल मिला के सामान का जीता जागता भंडारण है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल है, गर्मी का सीजन है, ज्यादातर जरूरत होती है हमको पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो मिल जाएगा किफायती दाम में। जो भी प्रिंटेड होता है उसमें ज्यादा मार्जिन तो रहती नहीं है, तो उस हिसाब से ये लोग बेचते हैं। और यहाँ पे कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पे इन्होंने नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड रखा है, हालांकि हम तो वीडियो शूट कर रहे थे तो हमारा फेस रिवील करना जरूरी था, इसलिए हमने मास्क नहीं पहन रखा था। बाकी जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए ये लोग पूरा प्रिकॉशंस यूज करते हैं, मास्क के साथ एंट्री ही लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो जब भी आइएगा मास्क पहनकर जरूर आइएगा यहाँ पे। तो हमने आप सबको रूबरू करवा दिया है इनके शॉपिंग मॉल से, और अगर आपको यहाँ पे आना है, अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ आना है, तो मैं यहाँ का लोकेशन वीडियो में यहाँ पे आपको मैप कर दूंगा, और आप लोग लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आसपास के हो तो ज़्यादा अच्छा है आप सबके लिए आने के लिए, बाकी दूर दराज से तो हमें पता है आप लोग आएंगे नहीं। फिलहाल प्रयागराज से अगर आप हैं तो एक बार यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा इनकी शॉप पे, आप संतुष्ट होकर के जाएंगे, मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।